नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर कुछ भी संभव और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र कम और सेना का कब्जा वहां ज्यादा है। पाकिस्तान में सेना के बिना एक भी पत्ता मजाल है कि हिल जाए। इसी कड़ी में पाकिस्तान में एक बड़ी चर्चा घूम रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि पाक पीएम इमरान खान का अपनी ही कैबिनेट में विरोध शुरू हो गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी या केंद्रीय विकास मंत्री असद उमर अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। इन कयासों पर विदेश मंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सफाई दी और कहा कि वो खुद या असद प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल नहीं। जियो न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुरैशी और उमर दोनों चाहते हैं कि इमरान अपने करीबी फवाद चौधरी को कैबिनेट से हटाएं, लेकिन इमरान इसके लिए तैयार नहीं हुए। पिछले दिनों सरकार ने पेट्रोल करीब 26 और डीजल 21 रुपए महंगा किया था। इसके बाद देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसकी वजह से भी इमरान पर काफी दबाव है। आरोप लग रहे हैं कि सरकार आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह नाकाम साबित हो चुकी है। खबरों के मुताबिक कुरैशी और असद के अलावा कई कैबिनेट मंत्री इमरान के करीबी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। इनका आरोप है कि फवाद के भ्रष्टाचार की वजह से सरकार की बदनामी हो रही, लेकिन इमरान चौधरी को हटाए जाने से साफ इनकार कर चुके हैं। इसी कारण अब इमरान की कुर्सी ही खतरे में नजर आ रही है। बताया जाता है कि कुरैशी और असद प्रधानमंत्री इमरान के कई फैसलों से सख्त नाराज हैं। वहीं कई और राजनीतिक चिंतक ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा भी इमरान खान से नाराज चल रहे हैं और लग रहा है कि सेना भी इमरान खान को हटाने में दिलचस्पी ले रही है। देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्या इमरान जाते हैं या बचे रहते हैं।